हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ये क्लास बच्चों जो डॉक्टर मनोहरे बुक NCERT बेस्ड जो बुक है उस पे आधारित होती है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे हैं अभी अध्याय 4, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 4F के क्वेश्चन को कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4F के क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक कर चुके थे। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4F के सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 12 क्वेश्चन नंबर है, जो उसमें आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है, बस उसको नॉर्मली गुणनखंड करके सॉल्व करना है। इक्वेशन है x² + 4x + 2। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको पीछे करवाया जा चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, आप लोग मान लेंगे पहली जो विषम संख्या है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर कोई विषम संख्या आप लेते हैं, जैसे 3 है, 3 के बाद अगली जो है 5 आती है, फिर 7 आती है, मतलब इनके बीच जो है 2 का गैप होता है। तो अगर आपको दो क्रमागत विषम या सम संख्या माननी हो, तो अगर आप एक संख्या को यक्स मानते हैं तो दूसरी x+2 ही मानेंगे, क्योंकि सम या विषम दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। ठीक है, तो दूसरी जो है विषम संख्या हम क्या मानेंगे, अगर पहली यक्स हो गई तो दूसरी x+2 हो जाएगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हम लोग चलते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों क्रमागत विषम जो संख्या है उनके वर्गों का योग जो है 290 है। ठीक है, तो पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग बराबर 290। अब ये जो x+2 का वर्ग है, इसको a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप लोग खोल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए x² + 2² + 2ab, यानी 2 × x × 2 और बराबर 290। ठीक है, अब इसको x² जुड़ जाएगा तो ये 2x² बन जाएगा, और प्लस 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और ये 2 × 2 = 4, और ये जो 290 है इसको इस साइड लाएंगे हम लोग तो -290 हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या बन जाएगा हमारा, 2x² + 4x - 286 = 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आप लोग गुणनखंड करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए जब इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो ये 26x और 22x -22x में टूट जाएगा, जब 286 को हम लोग तोड़ेंगे, 286 का 2 में पहले गुणा करके तब उसको तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। फिर इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा x + 13 और 2x - 22। तो एक देखिए ये एक्स का मान क्या आ गया, -13। ठीक है, और इसमें आपका सवाल में कहा है कि धन विषम पूर्णांक होना चाहिए, तो ये माइनस वाला जो एक्स का मान आया है इसको हम लोग नहीं लेंगे, नहीं निकल लेंगे। ठीक है, अब एक एक्स का मान आया है एक्स बराबर देखिए 11, तो इसमें धन विषम पूर्णांक भी का है तो ये वाला लेकर हम लोग निकाल देंगे, तो दूसरी संख्या। अब ये एक्स का मान हमारा क्या हो गया, 11। अभी जब ये माइनस हो ही नहीं सकता तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। ठीक है, x - x = -13 को। ठीक है, तो दूसरा x का मान हमारा है x = 11, तो इसमें पहली संख्या जो हमारी है वो x है, तो पहली संख्या हमारी 11 हो जाएगी क्योंकि हमारा x = 11 आया, और दूसरी संख्या है x+2, तो x = 11 + 2 दूसरी संख्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 11 + 2 = 13 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्या दिया हुआ है, देखिए कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 m² हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या बन जाता है, फिर लास्ट में बताएंगे कि ऐसा संभव है या नहीं है। ठीक है, तो फिर से हम इस बाग की जो है चौड़ाई मान लेते हैं यक्स, तो लंबाई इसमें देखिए दिया हुआ है कि चौड़ाई से 2 गुना है, तो लंबाई जो है क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे। जो बाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो है 800 m² और जो है ये, ठीक है, 800 m²
तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई इसका 2x हो गया, चौड़ाई जो है x हो गया। ठीक है, देखिए तो अभी ये जब गुणा करेंगे तो 2x² बराबर 800, ये दो इस साइड आएगा तो 800/2 हो जाएगा। देखिए तो ये बचेगा कितना, 400, x² बराबर 400, तो x बराबर √400 हो जाएगा। और 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 × 20 लिख सकते हैं क्या? तो जब ये बाहर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारी जो बाघ की चौड़ाई आ गई 20, तो लंबाई अगर निकालेंगे तो चौड़ाई गुणा 2 करना पड़ेगा, तो 40। अब इसका देखिए आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो 800 m² आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस जो माप दिया हुआ है, इस माप का एक बाग बनाना संभव है। तो हम लास्ट में लिख देंगे, हाँ ऐसा बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है 40 m और चौड़ाई जो है 20 m होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 है, वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 एज इट इज क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ है, तरह ही है, सेम टू सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको अभी ऊपर करवाया जा चुका है, सेम उसी प्रकार से कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम करवाया जा चुका है कि संख्याओं का वर्ग वाला, ऐसे क्वेश्चन आपको 3-4 मैंने करवा दिए हैं, तो आप इस हिसाब से इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 m² है। ठीक है, तो यदि उनके परिमापों का अंतर 24 m दिया है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि जो पहला वर्ग है उसकी भुजा जो है x मीटर है। ठीक है, तो जो वर्ग होता है उसका परिमाप क्या होता है कि 4 × भुजा उसका परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है। ठीक है, तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 × भुजा होता है वर्ग का परिमाप। ठीक है, अब दूसरे वर्ग देखिए, अब पहले वर्ग का परिमाप तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 24 + 4x, क्यों, इसमें दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर दिया हुआ है जो है कितना, 24 दिया है, और एक वर्ग का परिमाप 24 है तो दूसरे का 24 + x हो जाएगा। तभी जब इनका अंतर निकालेंगे, देखिए दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस पहले वर्ग का परिमाप करेंगे तो आपका 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 24 + 4x हो जाएगा। अब दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, देखिए अभी परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है आपका 4 × भुजा होता है, 4 × भुजा। अब हमें जब भुजा निकालना होगा तो 4 को जब दूसरी साइड ले जाएंगे तो परिमाप बटे 4 हो जाएगा क्या, देखिए भुजा परिमाप बटे 4 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ग की भुजा निकालना है तो दूसरे वर्ग का परिमाप बटे 4 कर देंगे, तो देखिए 24 + 4x / 4, ऊपर से 4 को कॉमन लेंगे तो ये नीचे से 4 जो है उससे कट जाएगा ना। देखिए तो हमारा क्या बच जाएगा, 6 + x m हो जाएगा दूसरे वर्ग की भुजा। ठीक है, अब जो है देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि उनके क्षेत्रफल का योग 468 m है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो उनके दोनों का क्षेत्रफल देखिए x² हो जाएगा, पहले की भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल x², दूसरी वर्ग की भुजा 6 + x है तो 6 + x² बराबर कितना दिया हुआ है, 468। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब भी इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप लोग खोल लेंगे, ऐसे क्वेश्चन इसके बाद वाले तो आप लोगों ने बहुत सारे किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए द्विघात समीकरण बन जाएगा, 2x² + 12x - 432। इसमें से दो कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दो कॉमन लेंगे तो x² + 6x - 216 हो जाएगा। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे देखिए, तो एक x + 18 और एक x - 12 = 0 आ जाएगा। तो x = -18 आ जाएगा, एक x = 12 आ जाएगा। अभी जो है लंबाई किसी भुजा की माप तो जो है निगेटिव में तो होगी नहीं, ठीक है, किसी भी भुजा की लंबाई वगैरह तो निगेटिव में होगी नहीं, इसलिए हम इस x = -18 को निगलेक्ट करेंगे, x = 12 को ले लेंगे। ठीक है,
तो x बराबर 12 हो गया, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी आ गई देखिए, कितने हमने मान रखी है x, और x का मान हमारा कितना आया 12, तो ये पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर हो जाएगी। और दूसरे वर्ग की भुजा हमने क्या आया था हमारा x प्लस 6, तो 12 प्लस 6, x का मान अभी 12 तो हमने निकाला, तो 12 प्लस 6 बराबर 18, ठीक है। तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 18, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी है, आपका आंसर भी 18 ही आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है देखिए, कोई एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग जो है 30 दिया है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसके अंकों का गुणनफल जो है 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपके एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, ठीक है, 2020 में, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे कि हम लोग मान लेते हैं कि उसके गणित का अंक जो है वो x है, ठीक है। तो अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा क्या। देखिए जब भी गणित का अंक x माना और अंग्रेजी का अंक और गणित का अंक मिला के उसके 30 नंबर हो रहे हैं, तो इसमें से जो है अगर हम गणित का अंक 30 में से घटा देंगे तभी तो अंग्रेजी का अंक आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योग तो 30 है। तो हमने गणित का जब x मान लिया तो अंग्रेजी का हमें निकालना है, तो 30 में से हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये घटा दिया, 30 - x कर दिया। अभी क्या कहा है देखिए प्रश्न में, कि अगर गणित में 2 नंबर वो ज़्यादा पाती तो x प्लस 2 हो जाएगा गणित का नंबर उसका, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम पाती वो, तो 30 - x अंग्रेजी का नंबर है और -3 हमने कर दिया, तो इन दोनों का जो है गुणनफल 210 होगा, ऐसा आपके सवाल में बोला गया है, ये देखिए, ठीक है। तो इसका हमने गुणनफल कर दिया 210 के बराबर, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा कर लेंगे फिर से, देखिए ये 30 में से -3 चला जाएगा तो 27 बच गया। अब इसका गुणा कर लेंगे, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसका इसमें फिर इसमें, ठीक है। तो देखिए ये 27x - x² प्लस 54 - 2x बराबर 210 आ जाएगा। फिर 210 को इस साइड लाएंगे हम लोग, ठीक है, 210 को दूसरी साइड लेकर आएंगे, तो x² - 25x, ठीक है, प्लस 156, ये आपका बन गया एक द्विघात समीकरण, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद देखिए, तो इसको अब हम द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे इसको तोड़ लिया, 25 को -12x - 13x में, इस प्रकार से 156 हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा दो क्या गुणनखंड बन गया देखिए, x - 12 और x - 13, तो x = 12 आ गया और x = 13। अभी x के 2 मान आएंगे, हमेशा 2 ही मान तो आते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, कि x का मान अगर हम गणित का x का मान 12 के लिए लेते हैं, तो यदि गणित में उसके 12 होंगे तो अंग्रेजी में उसके नंबर आएंगे आपके 18, ठीक है। और यदि गणित में 13 लेते हैं, ठीक है, तो आपके अंग्रेजी में उसके आ जाएंगे 17। तो ये दोनों ही आंसर सही है, या तो आप ऐसे लिख देंगे कि यदि गणित के अंक 12 तो अंग्रेजी के अंक 18, या गणित के अंक 13 तो अंग्रेजी के अंक 17, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें 2 पार्ट हैं देखिए, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 का जो है पहला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 20 का पहला, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में वो ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का हो, एक कोण समकोण हो ना, तो ये हमने बना लिया है देखिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पर इसका ये कोण जो है 90 डिग्री है। तो इसका जो आधार मान लेते हैं हम लोग कि यक्ष है, आधार जो है यक्ष मान लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सवाल में दिया हुआ है कि जो ऊंचाई है आधार से 7 सेमी कम है, तो ऊंचाई x - 7 सेमी हो गया, और इसका कर्ण जो है दिया हुआ है 13 सेमी, ठीक है। तो कर्ण 13 सेमी दिया हुआ है। अभी आपने एक पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में पाइथागोरस प्रमेय, वो होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए होता है कि कर्ण का वर्ग
बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब यानी कि ऊंचाई और आधार तो है ही बेस, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें देखिए कर्ण तो दिया ही हुआ है हमारा 13, ठीक है, और लंब जो है, लंब यानी कि ऊंचाई अभी हमने x माइनस 7 माना है, ठीक है, और आधार जो है x माना है। तो ये इसको रख देंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 7 को a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ लेंगे, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो कितना आ जाएगा हमारा, एक 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169, 169 को दूसरी साइड लाएंगे, ठीक है, तो माइनस 169 हो जाएगा, ठीक है, 169। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका द्विघात समीकरण बन गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा गुणनखंड जो आएगा x माइनस 12 और x प्लस 5। फिर अब x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमारा 12 आ जाएगा, और x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 5। अभी जो है लंबाई तो हमारी माइनस में हो नहीं सकती ना कभी, तो इस पार्ट को जो है निकलेक्ट करेंगे, x का बराबर माइनस 5, ठीक है। तो x का मान फिर लिखेंगे कि चूँकि लंबाई माइनस में नहीं होती है इसलिए x बराबर माइनस 5 जो है संभव नहीं है, ठीक है। फिर हम जो क्या लेंगे कि x बराबर 12, ठीक है, अब x बराबर 12 के हिसाब से ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखिए हमने आधार तो x ही माना था तो 12 जो है x आधार 12 ही हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी है 12, x माइनस 7 है तो ऊंचाई 12 माइनस 7 बराबर 5 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20 का दूसरा पार्ट इसमें करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ही जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है। देखिए कि एक आयताकार खेत का बिकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा से, यदि जो उसकी बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहली बात है देखिए आयताकार खेत है तो इसमें एक तो उसकी लंबाई होगी, एक उसकी चौड़ाई होगी, तो जो है चौड़ाई हम मान लेते हैं छोटी है, छोटी होगी तो चौड़ाई छोटी भुजा होगी, ठीक है, और लंबाई जो है वो बड़ी भुजा होगी उसकी, ठीक है। तो देखिए अब मान लेते हैं कि हम लोग चौड़ाई जो है x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दिया हुआ है भाई कि छोटी भुजा से 30 सेमी लंबी है तो 30 मीटर लंबी है, तो x प्लस 30 जो है लंबाई हो जाएगी, और बिकर्ण आपका दिया हुआ है x प्लस 60, दिया ही हुआ है कि 60 जो है बिकर्ण 60 मीटर लंबी है छोटी भुजा से, तो x प्लस 60 आपका बिकर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने ये फिगर में दिखा दिया है कि अगर ये चौड़ाई है तो आयत की जो है दोनों चौड़ाई तो दोनों साइड की तो समान ही होती है ना, आयत की आमने सामने की भुजाएँ बराबर होती हैं, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और ये x प्लस 30 है ही लंबाई, क्योंकि लंबाई इससे 30 सेंटीमीटर लंबी है, और ये विकर्ण आपका x प्लस 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी त्रिभुज ए बी डी, ये जो त्रिभुज है ये देखिए इसमें इसमें ले लेते हैं, ये देखिए आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसका मतलब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं जो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण जो है हमारा क्या है बी डी का वर्ग, देखिए ये कर्ण है बी डी और लंब क्या है ए डी और आधार क्या है ए बी, तो ए डी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। तो बी डी की कितनी लंबाई है x प्लस 60 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस x प्लस 30 का वर्ग, ठीक है। तो x प्लस 60 का वर्ग जो है इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से खोल देंगे, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2 गुड़े 60 गुड़े यक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 2 गुड़े यक्स गुड़े 30। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा देखिए द्विघात समीकरण आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 27x। अभी जहाँ पे मैं कह रहा हूँ इसको सॉल्व कर लेंगे उसको आप लोग जोड़ घटाकर कर लेंगे, ठीक है। इस चीज़ को मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पिछले के कई लेक्चर में मैंने पूरा कर कर के आपको बताया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सब करना सीख गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 है, ठीक है। तो अभी इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो ये
जो है 90x प्लस 30x में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा जो गुणनखंड है, x माइनस 90 और x प्लस 30। तो x माइनस 90 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 90 आ जाएगा, और x प्लस 30 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। अब x बराबर माइनस 30 आने का क्या मतलब है कि जो निगेटिव में तो हो नहीं सकता है ना लंबाई, तो फिर से इसको हम लोग लिख देंगे कि यह संभव नहीं है क्योंकि निगेटिव में लंबाई नहीं हो सकता। तो x बराबर 90 लेंगे तो चौड़ाई जो है हमारी x है तो वो 90 आ गई, ठीक है। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर, ये हमारी लंबाई हो जाएगी। तो चौड़ाई जो है 90 और लंबाई 120 मीटर, तो खेत की भुजाएं में लंबाई आप लोग लिख देंगे 120 और चौड़ाई जो है, या छोटी भुजा जो है 90 मीटर और बड़ी भुजा जो है 120 मीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, कोई उद्योग है कुछ बर्तन, वो बर्तन बनाने वाला है तो बर्तन बनाता है, ठीक है। तो यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के लिए किए गए बर्तनों से दोगुने से तीन अधिक है, ठीक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग का लागत ज्ञात कीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको पहले करवाया जा चुका है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोग उसको सॉल्व करेंगे घर पे, और अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में हमें बताएंगे जिससे कि हम आपको करवा सकें वो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मान लेते हैं जिस विशेष दिन पे देखा गया कि भाई बर्तन की लागत उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक है, उस दिन जो है बर्तनों की संख्या हमने मान लिया यक्स है, ठीक है। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत तब क्या हो जाएगी कि बर्तनों की संख्या गुणे दो प्लस तीन, ऐसा दिया हुआ है। देखिए कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक है, ठीक है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक हो गई, ये कर दिया। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, उस विशेष दिन का कुल लागत 90 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो उस विशेष दिन का कुल लागत कित क्या होगा कि कुल बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन निर्माण करने में लागत, यही तो कुल लागत हो जाएगी। मतलब एक बर्तन निर्माण करने में लागत गुणे कुल बर्तनों की संख्या, तो ऐसा कर दिया। देखिए कुल बर्तनों की संख्या गुणे एक बर्तन निर्माण करने में लागत बराबर कितना है 90 रुपये। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए द्विघात समीकरण बन जाएगा हमारा 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा गुणनखंड आ जाएगा 2x प्लस 15 और x माइनस 6, तो x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर जो है 6 आ जाएगा, और 2x प्लस 15 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 15/2 आ जाएगा। तो ठीक है, किसी चीज़ की लागत अब निगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो यह मान संभव नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए x बराबर 6 लेंगे तो बर्तनों की संख्या जो है 6 आ जाएगी, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है 2x प्लस 3 है, यानी कि 2×6 प्लस 3 आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए कि एक रेलगाड़ी 360 किमी की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है, यदि रेलगाड़ी की यही दूरी 5 किमी प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो उसे 48 मिनट कम समय लगता, तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फिर इसमें हम मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल जो है x किमी प्रति घंटा है, ठीक है। रेलगाड़ी की जो चाल है x किमी प्रति घंटा है, तो हम समय अगर हम निकालना चाहें कि कितना समय उसे लगेगा, तो समय बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी जो है कितना दिया हुआ है इस सवाल में, देखिए 360 किमी दिया हुआ है और चाल हमने अभी अभी माना x किमी प्रति घंटा, तो 360 बटे x हो जाएगा नॉर्मल उसका समय। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है भाई कि अगर वो चाल जो है 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है तो उसको 48 मिनट कम समय लगेगा। अब चाल बढ़ाएगा तो कहीं भी आप जा रहे हैं तो अपनी चाल अगर बढ़ा दोगे तो आपको वहीं पे पहुंचने में कम समय लगने लगेगा जितना पहले लगता था अगर कम चाल से जा रहे हैं तब, ठीक है।
तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि दोनों फर्स्ट सिचुएशन और दूसरे सिचुएशन के लिए दूरी को बराबर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दूरी ही बराबर है ना। तो दूरी देखिए क्या दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, बराबर चाल गुणे समय होता है दूरी का। और चाल देखिए क्या दिया हुआ है, चाल जो है दिया है कि 5 किमी प्रति घंटा बढ़ाते हैं, यानी कि पहले यक्स थी तो अभी जो है यक्स प्लस 5 हो गई, ठीक है। और समय क्या कह रहा है कि पहले 360 बटे यक्स समय लगता था, जो है अब क्या लग रहा है कि 48 मिनट जो है समय कम लग रहा है। तो 48 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे, क्यों, क्योंकि सभी सेम यूनिट में होनी चाहिए। यहाँ पे हम जैसे चाल किमी प्रति घंटा में ले रहे हैं, यहाँ समय घंटा में ले रहे हैं, तो हमेशा हम समय को घंटे में ही रखेंगे। तो जब 48 मिनट माइनस करेंगे तो इसको 48 को जो है आप 60 से भाग लगाएंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। तो जब 60 से भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4/5 घंटा, ठीक है। तो ये देखिए 360 माइनस 4/5 घंटा हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। देख लीजिएगा, इसको मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे हर एक स्टेप आप लोग देख लीजिए, ठीक है। फिर ये एक द्विघात समीकरण बनेगा आपका, 4x² + 20x - 9000, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए तो हमारा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा इसका दो गुणनखंड आएगा, एक गुणनखंड हमारा आएगा यक्स प्लस 50 और दूसरा आएगा यक्स माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 50 बराबर 0 करेंगे तो आपका यक्स बराबर माइनस 50 आ जाएगा, ठीक है। और एक्स माइनस 45 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर जो है 45 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है एक्स रेलगाड़ी की चाल है जो कि निगेटिव में हो नहीं सकती है, तो हम लिखेंगे कि यक्स का मान माइनस 50 संभव नहीं है, तो यक्स बराबर माइनस 45 लेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल जो है 45 किमी प्रति घंटा होगी, ठीक है। इसमें आप लोग हर एक स्टेप को पूरा डिटेल में देखिए कि करवाया हुआ है, हर एक स्टेप को, ठीक है, एक एक बात को आप लोग पूरा स्टेप बाई स्टेप करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी करने में, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप वहाँ पर बेझिझक अपना बोलिए जो भी प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो क्या है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता, तो उसकी वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे भाई कि जेबा की जो है वर्तमान आयु कितनी, यक्ष मान लेते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से चलते हैं, देखिए प्रश्नानुसार तो ये दिया हुआ है कि जेबा की आयु 5 वर्ष कम होती, तो यानी कि 5 वर्ष कम का मतलब अभी यक्ष है वर्तमान में तो यक्ष माइनस 5 होती, ठीक है। तो उसका जो वर्ग है वो उसके वर्तमान आयु के 5 गुने से, देखिए 5 गुणा किया यहाँ पे, से 11 अधिक होती, तो 11 जोड़ भी दिया। अब इसको जो है यक्ष माइनस 5 के वर्ग को ए माइनस बी के होल वर्ग से खोल लेंगे, देखिए, और प्लस 5x माइनस प्लस 11 है, इसको 5x प्लस 11 को इस साइड लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है ये, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए द्विघात समीकरण बन गया हमारा, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 बराबर 0, या x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 बराबर 0। तो ये हमारा देखिए क्या बन गया, x माइनस 14 और x माइनस 1, ये हमारा गुणनखंड हो गया, x का मान 1 आ गया और x का मान 14 आ गया। तो अभी आप लोग कहेंगे कि यक्स का मान 1 भी तो हो सकता है, जी हाँ, यक्स का मान 1 होता अगर, जैसे इसमें वर्तमान आयु एक्स जेबा का 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब भी हम 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो निगेटिव में चली जाएगी उसकी आयु, इसलिए 1 जो है पॉसिबल नहीं है इस प्रश्न के अनुसार, ठीक है। अब कभी ना कभी वो 1 साल की रही होगी, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार 1 जो है पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक्स बराबर केवल 14 को कंसिडर करेंगे और लिखेंगे कि एक्स बराबर 1 पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, अतः एक्स का बराबर 14 लेने पर जेबा की जो वर्तमान आयु है वो एक्स 14 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। चलिए तो अभी ये अध्याय 4 जो है, अध्याय 4 का जो प्रश्नावली 4F तक मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया, इसके बाद आपका जो है एक विविध प्रश्नावली बचेगा, तो विविध प्रश्नावली आप लोग करिएगा खुद से, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे।
अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको विविध प्रश्नावली भी करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको बहुत सारी हमारी क्लासेस की जानकारी और आपकी कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, उस बारे में आप लोग हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।